हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास दसवीं अध्याय दो अम्लक्षार और लवण के कुछ टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच स्केल। देखिए, एक ऐसा स्केल होता है जो एच प्लस सांद्रता को मापता है ना। इसका हम परिभाषित कर रहे हैं कि किसी भी विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। जहाँ पर पी का अर्थ होता है पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। क्योंकि पी एक जर्मन शब्द है और उस जर्मन शब्द में पी का अर्थ होता है शक्ति। चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर एक स्केल हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग होता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। यहां हम देखेंगे कि एक स्केल हमारे पास है, ये होता है एक से लेकर 14 तक एक स्केल बनाई गई है। ठीक है, एक स्केल है, एक स्केल के 14 तक ऐसे स्केल है। जो बीच का जो मान था वो 7। जैसे किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 आता है तो वो उदासीन होता है उदासीन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 7 से लगा के यहाँ पर 14 है। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप और जाओगे 7 से अगर कम है तो शारी, सॉरी 7 से कम है तो अम्ली है, और 7 से अगर ज्यादा है तो ये शारी होता है। यहाँ पर अम्लीय, यहाँ पर शारी। ठीक है, इधर जाओगे तो शारीरिकता बढ़ेगी, इधर जाओगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। बाबा समय में कहा था 0 तक, और 7 का अगर है तो वो है न्यूट्रल तथा उदासीन। चलिए, तो ये पीएच स्केल इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लेंगे, आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा, तब आपके आएगा वो समझ में। मतलब कोई भी विलयन अगर स्केल के द्वारा अगर उसको मापते हैं, उसका पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन विलयन होगा, 7 से कम आ रहा है तो वो अम्लीय विलयन होगा, 7 से ज्यादा तो क्षारीय होगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे पास में। जो अम्ल है प्राकृतिक अम्ल, ये निर्बल अम्ल है, सॉरी दुर्बल अम्ल बोल सकते हैं उसको हम, और इन दुर्बल अम्ल का उपयोग हम जनरली खाने के अंदर यूज करते हैं। जैसे सिरका, अचार मुरब्बों में सिरके का उपयोग करते हैं, और सिरका में होता है एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल सिरका में होता है। चलिए, उसके बाद संतरा, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, जो संतरा खाते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। याद रखेंगे सब इसके नाम, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद नींबू, नींबू में भी होता है सिट्रिक अम्ल, उसके बाद चींटी का डल जो होता है, चींटी काट के उसमें भी अम्ल होता है, उसमें होता है मैथिनोइक अम्ल। उसके बाद मधुमक्खी का डंक, जो मधुमक्खी काटते हैं उसमें भी होता है मैथिनोइक अम्ल। ठीक है, तो हम यहाँ पर विभिन्न अम्लों के नाम देखिए कि कौन से खाद्य पदार्थ में वो पाया जाता है। खाद्य पदार्थ यहाँ पर अम्लों के नाम कुछ
जलन होती है तो उसमें भी अम्ल पाया जाता है और उसमें जनरली मैग्नीशियम अम्ल होता है। इसके बारे में हम और आगे के टॉपिक की चर्चा करते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताना है आपको, उसकी बनाने की प्रक्रिया और उसके उपयोग लिखना है और उसका सूत्र भी देखेंगे। यहाँ पर रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र हम देखते हैं COCl2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, तो क्या करते हैं कि जो शुष्क भुजा हुआ चूर्ण होता है, देखेंगे शुष्क भुजा हुआ भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, शुष्क भुजा हुआ चूर्ण CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको शुष्क भुजा हुआ चूर्ण कहते हैं। उसमें क्लोरीन गैस की क्रिया करेंगे तब हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा CaOCl2। ठीक है, तो CaOCl2 ये बन गया आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसके उपयोग बहुत ही सिंपल है। इसका उपयोग सबसे पहले तो इसका उपयोग जो पीने का पानी होता है उसमें जम्स को मारने के लिए, तो लिखेंगे कीटाणु नाशी के रूप में। दूसरा, ये जितने भी बहुत सारे जो प्रयोगशाला है वहां पर ये उपचायक के रूप में काम करता है। प्रयोगशाला में उपचायक के रूप में ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, उसके बाद जो लॉन्ड्री वगैरह होती है शुष्क धुलाई में, कपड़ों के विरंजक के रूप में, ऐसे बहुत सारे इसके उपयोग आप लिख सकते हैं। चलो क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया होता क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड की जली विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब ये वियोजित हो जाता है और वियोजित होने के बाद में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्लोर क्षार इसलिए नाम पड़ा है इसका क्योंकि अंत में उत्पाद के रूप में क्या होता है, उत्पाद के रूप में जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्षार कहते हैं और क्लोरीन को क्लोर, तो नाम पड़ गया क्लोर क्षार अभिक्रिया।
इसको क्लोज सारा अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि सहुत्पाद क्या बन रहा है, ठीक है आगे होगा आपकी समझ में। आपको जो भी वीडियो है उसके द्वारा आप उसको देख लीजिए। थैंक यू।